वहीं के लिए जा रहे हैं और कुछ रिलीफ मटेरियल लेके भी जा रहे हैं। सुनने में आया है कि वहाँ पे कैजुअलिटीज़ भी काफ़ी हैं, 6 लोगों की डेड बॉडीज रिकवर हो गई हैं और अभी तक कोई 30 से ऊपर मिसिंग है। तो हम जो रिलीफ मटेरियल रेड क्रॉस की तरफ से वहाँ पे ले जा रहे हैं, इसमें हम मैट्रेसेस ले रहे हैं, ये सोलर लाइट्स ले रहे हैं और बकेट्स, तो जो बाकी सामान जो है वहाँ पे, और जो कैश असिस्टेंस वगैरह लोगों को वहाँ देनी है, इसके अलावा जो राशन भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि होमजर्ड में जो कल जो है बादल फटा है, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें चली गई, इसका बहुत ही मुझे दुख भी है, अफसोस भी है। मैं अभी किश्तवाड़ से आ रहा हूँ और एंटायर किश्तवाड़ जो है इस वक्त वहाँ का जो माहौल जो है बहुत दुखी है, लोग बहुत ही अफसोस कर रहे हैं। सड़कों पे कोई भी नहीं, इस वक्त अब मैं हजरत की तरफ जा रहा हूँ। अभी एग्जैक्ट जो सूरत हाल के टोटल जो कैजुअलिटीज़ हैं वो कितनी हुई है इसका अभी कोई अंदाज़ा नहीं है। कुछ लोग जो है जो डेबरीज में थे उनको निकाला है, कुछ लोग जो जख्मी थे जिनको बचाया गया है, और कुछ लोग जो है अभी मिसिंग है। वहाँ हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ पे काम कर रही है, क्योंकि ये इलाका जो है ये बहुत ही किश्तवाड़ के इंटीरियर में है, इस इलाके में अभी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अगर कोई कनेक्टिविटी होती, रोड कनेक्टिविटी होती, शायद जो मशीनरी है जेसीबी वगैरह से वो जो डेबरीज से वो जो लाशें जो है निकाली जाती। अभी जब हम यहाँ से जा रहे थे तो हमने देखा कि दो लाशें जो थी यहाँ इसी दरिया में जो है, मसूरदार दरिया जो है इसमें फ्लोट कर रही थी। आगे शायद मुझे लगता है ये जो कंपनी वाले हैं उन्होंने उनको निकाला होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस किस्म की ये जो नेचुरल क्लाइमेटी हुई है इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल तो रहता ही है, मगर मैं अपील करना चाहता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लार्ज स्केल पे होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो काम कर रही है, मगर इसमें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जब तक ना यहाँ जो हेलीकॉप्टरों से लोग आ जाएं, ये जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम होती है वो यहाँ पे आ जाए। यहाँ काफ़ी मकान भी जो है ढह गए हैं और दूसरे मकानों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। मैं तो सरकार से 99 स्टोर्स के जरिए हैदराबाद और दीगर शहरों में धूम मचाने के बाद इजी एक्सप्रेस ने घर बैठे शॉपिंग करने के ख्वाहिशमंद अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च की है अपनी वेबसाइट, जिसका नाम है wholesale99.in। इस वेबसाइट पर हजार से ज्यादा वैरायटीज के प्रोडक्ट्स मौजूद है। ऑनलाइन शॉपिंग के ख्वाहिशमंद अफराद wholesale99.in पर जाकर अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं और ₹100 डिलीवरी चार्ज पर आपका बुक किया आइटम आपके घर तक पहुंच जाएगा। प्रोडक्ट्स की डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया मौजूद है। इस चीज के साथ साथ रिटर्न पॉलिसी भी मौजूद है, जिसके तहत प्रोडक्ट पसंद न आने पर आप इजी एक्सप्रेस 99 के प्रोडक्ट्स वापस भी कर सकते हैं। जो आइटम्स दीगर वेबसाइट्स पर महंगे बिकते हैं वो इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर की वेबसाइट पर सस्ते मिलते हैं। यकीन ना आए तो आप wholesale99.in के प्रोडक्ट्स के दामों को दूसरे वेबसाइट के प्रोडक्ट्स के दामों से टैली कर भी खरीद सकते हैं। ये तो थी बात ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की, अब बात करते हैं कारोबार करने वालों की। कारोबार के ख्वाहिशमंद अफराद 99 स्टोर या wholesale99.in से सामान खरीद कर अमेजोन, फ्लिपकार्ट और दीगर शॉपिंग वेबसाइट्स पर बेच सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस चीज़ के साथ साथ आप इजी एक्सप्रेस की वेबसाइट की भी फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं और प्रोडक्ट्स पर 25% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। वेबसाइट की फ्रेंचाइजी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राबता पैदा करें या विजिट करें हमारे इजी एक्सप्रेस 99 के स्टोर्स MPM मॉल एबिट्स, पोडियम मॉल टोली चौकी,
SMP मॉल, गुलजार हाउस, ओल्ड कृष्णा टाकिस पर।